मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में दो एग्जाम्पल और क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल का गर्दा। एग्जाम्पल का गर्दा उड़वाने से पहले एक बच्चे की कमेंट आई थी और उसने कमेंट में लिखा था कि सर कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबनीज थ्योरम यूज होती है कब डेरिवेटिव के बाद। बढ़िया बात है भाई, उसने दिमाग लगा लिया। बताते हैं कब डायरेक्ट लेबनीज थ्योरम यूज होती है क्वेश्चन में, कब डेरिवेटिव के बाद। तो देख लो यहाँ पे, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दो फंक्शन मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम इस साइड डायरेक्ट और इस साइड डेरिवेटिव, सभी स्टूडेंट समझ लेना है कब लेबनीज थ्योरम डायरेक्ट यूज होती है, कब डेरिवेटिव के बाद। जैसे डायरेक्ट में क्या होता है, यू और बी लेट करते हो फंक्शन, फिर v को लेके चलते हो, v1 निकालते हो, v2 निकालते हो, फिर उसके बाद में u इक्वल लिखते हो, un निकालते हो, un माइनस वन ऐसे करके, फिर लिखते हो यूजिंग लेबनीज थ्योरम, फिर आप वाई एन इक्वल यू एन वी प्लस एन यू एन माइनस वन बी वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू और बी टू प्लस डॉट डॉट डॉट। डायरेक्ट लेबनीज थ्योरम यूज होती है, यू और बी लेट किया, फिर वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर सीट, आंसर जो निकलता है सीरीज में, अगर डायरेक्ट लेबनीज थ्योरम यूज होती है तो आंसर सीरीज में निकलता है भाई। और डेरिवेटिव के बाद लेबनीज थ्योरम जब यूज होती है तो आंसर किस तरीके से निकलता है, इस तरीके से निकलता है। देख लो क्वेश्चन में, सीरीज में नहीं निकलता है, इस तरीके से निकलता है। अगर यहाँ पे बात करें तो देख लो, अगर डेरिवेटिव के बाद लेबनीज थ्योरम यूज हो रही है तो आंसर शीट कैसे निकलती है, इस तरीके से। और यहाँ पे देख लो, समझ गए, मतलब डायरेक्ट यूज करोगे तो सीरीज में आंसर निकलेगा और डेरिवेटिव के बाद यूज करोगे लेबनीज थ्योरम तो आंसर इस तरीके से निकलता है, मतलब सीरीज में नहीं निकलता है। ये आपको समझना है भाई, डेरिवेटिव का मतलब है जैसे बाई वन निकाला और डिफ्रेंशिएट किया एन टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम, यही तो लिखते हो। देखो जैसे बाई वन आपने निकाला और इसी पे लेबनीज थ्योरम यूज कर ली तो क्या करते हो, डिफ्रेंशिएटिंग एन टाइम्स वाई लेबनीज थ्योरम ठीक है, या आप बाई टू निकालते हो फिर इस पे यूज करते हो लेबनीज थ्योरम। जैसे बाई वन की बात करें तो आप लिखते हो बाई एन प्लस वन ऐसे करके, फिर आगे ऐसे टर्म बता देते हो, ठीक है। बाई टू जैसे इसका बॉक्स अलग ले लेते हैं तो बाई एन प्लस टू ऐसे करके, ठीक है, या फिर बाई थ्री ऐसे ही बाई फोर। तो बच्चे ने ये पूछा है तो वही हम आपको बता रहे हैं कि लेबनीज थ्योरम डायरेक्ट कब यूज होती है डेरिवेटिव के बाद, वो आंसर सीट पे डिपेंड होता है। अगर आंसर सीट सीरीज में निकलती है, आंसर सीरीज में निकलता है, तब आपको डायरेक्ट लेबनीज थ्योरम यूज करना है। अगर आंसर शीट इस तरीके से है
तब आपको डेरिवेटिव के बाद लेबनीज थ्योरम यूज करना है। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन मिले हैं, देख लो मिले हैं दो फंक्शन, और आंसर शीट देखो सीरीज में प्रूव करवा रहा है कि नहीं, तो सीरीज में नहीं है तो डेरिवेटिव के बाद, मतलब डेरिवेटिव के बाद आप इसको प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, हमको मिले हैं दो फंक्शन एक्स ई पावर एन और लॉग एक्स, और यहाँ पे आंसर शीट देखो सीरीज में है नहीं है, तो डेरिवेटिव के बाद लेबनीज थ्योरम यूज होगी। जैसे यहाँ पे देखो आंसर शीट सीरीज में दिख रही है नहीं दिख रही है, तो डेरिवेटिव के बाद, तो यहाँ पे देखो टू दिख रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाल के फिर आपको लेबनीज थ्योरम यूज करना है। जैसे ये प्रूव करना है ना, तो पहले इसको लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये आंसर शीट बनेगी। ये है तोड़ लेबनीज थ्योरम का, दो तो फंक्शन मिलेंगे ये तो तय है, लेकिन डायरेक्ट और डेरिवेटिव के बाद आपको समझ लेना है। इसको रफ करते हैं, अब ये क्लियर हुआ कि लेबनीज थ्योरम डेरिवेटिव के बाद कब यूज होती है और डायरेक्ट कब यूज होती है। ऐसे ही सभी बच्चे कमेंट से पूछ लिया करो कोई अगर डाउट हो, नहीं तो रटते रहोगे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे लगा देते हैं, फिर उसे रटना बोलते हैं, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व, लिख लो फर्स्ट पार्ट है गिवन दैट, यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट y के इक्वल लिख लो, तो x की पावर क्या है n माइनस वन है और इंटू में log x, तो डेरिवेटिव के बाद आपको लेबनीज थ्योरम यूज करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो, और आपको पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 में किस मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, मैचिंग मेथड से, ये तो आपको जानकारी है। तो मैचिंग मेथड के लिए हमें इसे वन डालना पड़ेगा इक्वेशन, ठीक है, बाय वन देख लो, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे ले लो, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस, सेकंड को ऐसे ही रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएट, एन माइनस वन आगे वन पावर लेस कर लो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो भाई, एक्स ले लो तो इंटू होगा ना, तो ये मैच हो जाएगा एक्स ही पावर एन माइनस वन लॉग एक्स, सेकेंड टर्म मैच हो जाएगा, बाई रख देंगे तो एक्स ले लो, तो यहाँ पर एक्स इतना मिल जाएगा, ठीक है, और एन माइनस वन इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्स है इसमें नहीं है, तो एक्स का इंटू होगा किस में, एक्स ही पावर एन माइनस वन और इंटू में लॉग एक्स आपको लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है, देख लो, और इसका क्रॉस इंटू कर दो तो एक्स वाई वन हो गया इक्वल एक्स की पावर एन माइनस वन यहाँ पे प्लस एन माइनस वन और एक्स की पावर एक प्लस करो यहाँ पे, तो एन माइनस वन मिलेगा ना, टू में से वन को माइनस करेंगे, ठीक है, और इंटू में लॉग एक्स। अब देखो मैचिंग मेथड, ये मैच हो रहा है एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू लॉग एक्स, अब बाई रख दो उठा के, ठीक है, अब क्या रख देंगे, वाई उठा के रख देंगे और यहाँ पे लिख दो वाई इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू रखी है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेबनीज थ्योरम यूज करना है, लेकिन ये पता करो कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद यूज होगी कि सेकंड डेरिवेटिव के बाद। अगर हम बात करें यहाँ पे बाई एन दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे नहीं बताया गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद यूज़ करो कि सेकंड डेरिवेटिव के बाद, लेकिन सेकंड में हमको बताया गया है यहाँ पे एन प्लस वन होगा, ठीक है, थोड़ी मिसप्रिंट है, एन प्लस वन कर लेना, तो सेकंड पार्ट में वन बताया गया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ही लेबनीज थ्योरम यूज़ करो भाई, क्यों, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल थ्री में है, ठीक है, तो यहीं पर लेबनीज थ्योरम यूज़ करेंगे, तो इक्वल जीरो करके करो इसको, इस साइड लाते हैं, ले आए इसको इस साइड, ठीक है, तो x y1 और माइनस n माइनस वन वाई माइनस एक्स इतना इक्वल जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग
एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन करेंगे तभी तो ये मैच होगा, ये एन, ठीक है, टाइम्स वाई लेबनीज थ्योरम, वाई लेबनीज थ्योरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो। तो यहां पर आपको U और B लेना है, तो इसको B ले लो और इसको U, ठीक है। तो कैसे, यहां पे बताते हैं yn क्या होता है, un v प्लस n un माइनस वन बी वन, ऐसे होता ना, ठीक है। आगे डॉट डॉट डॉट, तो पहले हमें ये लिखना है, तो कैसे लिखोगे, y यहां पे n माइनस वन है, n माइनस वन कर लो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट जो किया है n माइनस वन टाइम, तो जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है, और जो यहाँ पे है वो प्लस कर लो, ठीक है। फिर b होता है, b कितना है मेरे पास, x है, देख लो, फिर प्लस, फिर यहाँ पे n है, हमने n लिखा, यू एन माइनस वन है, हम लिखेंगे वाई एन माइनस टू लिखेंगे, जो यहाँ पे है वो तो आपने लिख ही लिया। नेक्स्ट यहाँ पे n माइनस वन है, तो n माइनस वन हम लिखेंगे, लेकिन आपको पता है जब n माइनस वन से स्टार्ट कर रहे हो तो n माइनस वन आ गया, नेक्स्ट क्या आएगा, n माइनस टू, और ये प्लस कर लो वन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे b1 है, तो b1 का मतलब है x का डिफ्रेंशिएट, कांस्टेंट मिल गया ना, अब आगे टर्म लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के बाद जीरो ही मिलता है। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस n माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे y है, तो आपको पता है कि n माइनस वन टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो n माइनस वन ही तो आएगा, ठीक है। इसका हो गया, यहाँ पे आ जाओ, माइनस इसका बताओ भाई, जैसे इसका जानते हो, जानते हो डिफ्रेंशिएट, सेम टू सेम है, तो फैक्टोरियल n में लिखा जाता है, मेरे पास क्या है n माइनस वन है ना, और हम कर रहे हैं इसका x n माइनस वन, तो क्या लिखा जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस वन आपको लिख देना है इक्वल जीरो। इतना क्लियर हुआ, ये आपको आता है, पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बाई एन आएगा, ठीक है, और एक्स आगे लिख दो, और प्लस यहाँ पे आ जाओ, एन वाई एन माइनस वन आएगा, टू में से वन को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस एन माइनस वन और वाई एन माइनस वन और माइनस फैक्टोरियल एन माइनस वन इक्वल जीरो, ठीक है। अब आपको सेट करना है, मतलब आंसर शीट ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे n है, n माइनस वन आएगा, इतना ध्यान रखना, क्या आएगा, n माइनस वन, क्योंकि जहाँ जहाँ n वहाँ पे n माइनस वन, क्योंकि स्टार्टिंग n माइनस वन से की थी, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस वन होगा, जब लेबनीज थ्योरम यूज़ की थी ना, n माइनस वन टाइम्स आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे n माइनस वन रखा, फिर यहाँ पे n यू एन माइनस वन होता है बी वन, तो n ये वाला यहाँ पे n माइनस वन आएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा ना, तब आंसर शीट मैच होगी, ठीक है। अब इसको उस साइड लेके चलो, तो x बाई एन इक्वल फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो वाई एन इक्वल एन माइनस वन अपॉन x, देखो आंसर शीट, ठीक है। अब इसके बाद में हम सेकेंड बताते हैं आपको, सेकेंड पार्ट, तो देख लो यहाँ पे ये है, यहीं पे हम डाल देते हैं सेकेंड, मतलब इसके दो मेथड हैं, इसके कितने मेथड हैं, दो मेथड हैं। तो मेथड फर्स्ट में क्या करना है, इसी आंसर शीट में n के स्थान पे n प्लस वन रख देना है, तो यहाँ पे लिख लो n इज रिप्लेस y n प्लस वन, रख दो y n प्लस वन इक्वल, यहाँ पे रखो n प्लस वन माइनस का वन अपान में x, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, y n प्लस वन इक्वल, वन से वन कैंसिल हो जाएगा ना, फैक्टोरियल n अपॉन ax, देख लो आंसर शीट, ये हो गया मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड बताते हैं, जैसे इसको प्रूव किया ना, ऐसे ही करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन ax, ठीक है।
ये कंप्लीट हुआ। बात करेंगे नेक्स्ट मेथड, तो इसको हम रफ करेंगे, फिर यहाँ पर आपको मेथड टू डाल लेना है, ठीक है। मेथड टू गिवन दैट लिख लो, क्या लिख लो, गिवन दैट y इक्वल लिख लो x की पावर n log x, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बता दिया गया है कि लेबनीज़ थ्योरम आप यूज कैसे करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद, क्योंकि वो सीरीज में आंसर शीट नहीं है, तो डेरिवेटिव के बाद ही यूज होगी लेबनीज़ थ्योरम, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद। तो निकालो भाई, इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो, क्योंकि मैचिंग मेथड यूज हो रहा है। तो वाई वन इक्वल फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकेंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को ऐसे ही रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है। अब एलसीएम ले लो एक्स, और यहाँ पे पावर ये कैंसिल हो जाएगी माइनस वन, और ये पूरा पूरा मिल जाएगा, तो मैचिंग मेथड यूज हो जाएगा। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे y1 इक्वल x, तो x की पावर n प्लस x, और n आगे लिख दो x की पावर n माइनस वन, ठीक है, और इंटू में log x, इसका क्रॉस इंटू कर दो, तो x y1 इक्वल x की पावर n प्लस, इसका जो है प्लस कर लो पावर मल्टीपल में, तो x की पावर n मिलेगा, वन और माइनस वन कैंसिल। अब देखो x की पावर n log x किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ पे रख देना है एक्स बाई वन इक्वल एक्स पावर एन प्लस एन वाई, ठीक है, एक्स पावर एन और लॉग एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना वाई इक्वेशन फर्स्ट, वाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको इसको इस साइड लाएंगे और लेबनीज़ थ्योरम यूज कर लेंगे, ठीक है। इतना नोट करो, ये मेथड सेकंड है, तो एक्स y1 इसको इस साइड लाएंगे, माइनस का n y और माइनस का x की पावर n इक्वल जीरो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग nth टाइम y लेबनीज थ्योरम, y लेबनीज थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, बताते हैं, वाई एन इक्वल यू एन वी प्लस एन यू एन माइनस वन बी वन और प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू और बी टू प्लस डॉट 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 प्लस यू वी एन, ठीक है। पहले इसको बनाते हैं, एन टाइम कर रहे हो तो वाई एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे यू एन है, यहाँ पे जो है वो प्लस करो, फिर बी ऐसे ही लिख दो, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे n है तो यहाँ पे n टाइम कर रहे हो तो यही छापो, ठीक है। और यू एन माइनस वन है तो हम क्या लिखेंगे, वाई एन माइनस वन, और यहाँ पे 1 है वो प्लस करना है, ये बात हम पिछली दो क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, बी वन मतलब x का डिफरेंशिएट 1, तो कांस्टेंट मिल गया कांस्टेंट। अब यहीं तक लेबनीज़ थ्योरम यूज होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ माइनस, और कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको पता है, इसे बी लिया था और इसे यू लिया था, ठीक है, ये भी जानकारी होना चाहिए, वो तो प्रैक्टिस आपने की होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको बी और इसको यू लेके इसको करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाओ माइनस का एन है, यहाँ पे क्या आएगा, बाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है एन टाइम, तो बाई एन हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ इसका बताओ, मतलब बाई एन और एक्स एन, तो फैक्टोरियल एन होता ना, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे लिखें और इसको, अब आपके ज़्यादा समझ में आएगा, सेम टू सेम पे फैक्टोरियल एन आंसर शीट आती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और यहाँ पे फैक्टोरियल एन रखते हैं और इक्वल जीरो, ठीक है। आगे देख लूँ एक्स वाई एन प्लस वन, ये कट गया तो प्लस एन वाई एन आ गया, माइनस यहाँ पे आ जाओ एन वाई एन और इसे इक्वल लिख दो, ठीक है, ये कट गया माइनस प्लस, ठीक है। तो एक्स वाई एन प्लस वन इक्वल फैक्टोरियल एन, तो
तो वाई एन प्लस वन इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स हो गया प्रूफ। मतलब ऐसे करो, अगर ये पार्ट अलग से क्वेश्चन बनकर आ जाए पेपर में अलग से, तब आपको ऐसे करना है मेथड सेकंड से। मेथड फर्स्ट और सेकंड क्लियर हुआ, ठीक है। अगर क्वेश्चन मींस एग्जांपल थ्री की जब बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों मिल जाएं एक साथ, अगर पेपर में क्वेश्चन आया दोनों पार्ट एक साथ मिल जाएं, तब आपको मेथड फर्स्ट का यूज करना है जब सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हो। अलग से अगर ये आ जाए क्वेश्चन पेपर में, तब आपको मेथड टू का यूज करना है। समझ गए? ठीक है, अब इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करवाते हैं। एग्जांपल फोर, एग्जाम्पल फोर में बताया गया है फर्स्ट पार्ट में y इक्वल इतना है, सो दैट पहले ये आंसर शीट बताना है, फिर इसका यूज करके फिर ये बताना है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव निकालो पहले और ये आंसर शीट मैच करो, फिर लेबनीज़ थ्योरम का यूज करके ये आंसर शीट आपको लाना है, ठीक है। गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट लिखते हैं भाई, गिवन दैट y के इक्वल देख लो क्या है, a cos log x प्लस का v sin log x, ठीक है, a cos log x प्लस v sin log x। तो सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट आपको निकालना है ये, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट पहले निकालो, तो मैचिंग मेथड यूज करो, इसे वन डाल दो, ठीक है। y वन हो गया, कॉस का सी ओ से स्टार्ट है माइनस छोड़ेगा, और इसका जब अगेन करो क्या निकलेगा, लॉग का बना पाने एक्स, ठीक है। वी साइन का क्या होगा, कॉस लॉग एक्स का अगेन करोगे तो इतना निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपान में एक्स है, यहाँ पर भी है, ठीक है, क्रास इंटू कर दो, एलसीएम लेके क्रास इंटू कर दो, तो ए साइन लॉग एक्स और निगेटिव यहाँ पर आपको लिख देना है, प्लस v cos log x, ठीक है। अब देख लो मैच हुआ, ये पूरा पूरा मैच हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है, यहाँ पे sin है और यहाँ पे cos है, आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसको फर्स्ट और सेकंड ले लो, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस, सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट इक्वल, यहाँ पे आ जाओ a cos log x, ठीक है, साइन का कॉस हो गया, लॉग एक्स का अगेन करोगे तो बना पान एक्स आएगा, यहाँ पे देखो सी ओ से स्टार्ट है माइनस छोड़ेगा, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्लस माइनस माइनस, जो सी ओ से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, चाहे कॉस की बात करो, चाहे कॉस इनवर्स की बात करो, चाहे कोट की बात करो, चाहे कॉस इनवर्स की बात करो, चाहे कॉसिक की बात करो, चाहे कॉसिक इनवर्स की, डिफ्रेंशिएट करोगे निगेटिव छोड़ते हैं भाई, तो इसीलिए माइनस प्लस माइनस हो गया, और log x का अगेन करेंगे वन अपॉन एक्स, फिर अपॉन में x यहाँ पर भी वहाँ पर भी, तो एलसीएम लेके क्रॉस इनटू कर देंगे, ठीक है। तो साथ में माइनस भी कॉमन ले लो, क्योंकि ये पूरा पूरा बनेगा तभी जब माइनस आपने कॉमन लिया, तो ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है, a cos log x प्लस का v sin log x, ठीक है, और x क्रॉस इनटू करके और इसकी यहाँ से वैल्यू डाल दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स बाई वन इक्वल बाई आएगा ना, ठीक है, वैल्यू रख दी, y कहाँ से रखी है, y इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसको इस साइड लाएंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई टू और प्लस का एक्स बाई वन और प्लस का वाई इक्वल जीरो। अब आंसर शीट देख लो, ये वाली पहली वाली मैच हो गई, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया, एक्स बाई वन, ठीक है, और प्लस का बाई, ठीक है। अब लेबनीज थ्योरम यूज करेंगे इस पर, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पे लिख देना है डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स y लेबनीज थ्योरम by लेबनीज थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे समझाते हैं, जैसे y n इक्वल यू एन बी प्लस एन यू एन माइनस वन बी वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू और वी टू प्लस डॉट 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 प्लस यू वी एन, ठीक है। तो पहले ये बनाते हैं, एन तो टाइम्स कर रहे हो तो क्या मिलेगा, वाई एन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है उसको आप प्लस करना है, क्योंकि इसे हमने लिया है वी और इसे यू, ठीक है। यहाँ पर भी इसे वी और इसे यू, ये समझो भाई। फिर इसके बाद क्या आता है, बी आता है, बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे एन आता है तो हमने एन लिखा वाई, फिर एन माइनस वन है हमने लिखा एन माइनस वन, और यहाँ पे जो होता है उसको प्लस करो, फिर बी वन आता है, बी वन मतलब बी का डिफ्रेंशिएट क्या मिलेगा टू एक्स, ठीक है, प्लस फिर इसको लिखो एन इंटू में एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है। और वाई यहाँ पे यू एन माइनस टू है, वाई एन माइनस टू, और फिर यहाँ पे जो होता है उसको प्लस करना है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि यहाँ पे बी टू है, ये बी वन है, बी वन का अगेन करोगे तो बी टू मिलेगा, तो कॉन्स्टेंट टर्म मिल गया है, यहीं तक रखेंगे इसको, मतलब इस टर्म को यहीं तक रखना है। अब सेकेंड टर्म पर आ जाओ, प्लस फिर देख लो यू एन है तो हम क्या लिखेंगे वाई एन, यहाँ पर जो होता ना यहाँ पर बन है तो वो प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ पर बी है तो b मेरे पास क्या है x है, ठीक है, प्लस यहाँ पे n है हमने लिखा n, फिर n माइनस वन लिख दो ये वाला, फिर जो यहाँ पे होता है वो प्लस कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद में b1 होता है, ये b है, b1 इसका x का डिफ्रेंशिएट 1, ठीक है, इस टर्म का यहीं तक रखना है, ठीक है। और y का क्या हो जाएगा, यहाँ पे nth टाइम्स कर रहे हो डिफ्रेंशिएट तो y का बाई एन हो जाएगा इक्वल जीरो, हो गया ना। अब सेट करना है वो आंसर शीट, ये वाली मैच करना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे, नोट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस का टू प्लस, यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई करो, टू एन एक्स और वाई टू में से वन को माइनस करो तो एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एन इंटू में एन माइनस वन अपान, यहाँ पे फैक्टोरियल टू आएगा ना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कैंसिल हुआ, नीचे ना लिखो तो n इंटू एन माइनस वन वाई टू से टू कैंसिल हो गया, वाई एन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ प्लस एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ पे आ जाओ वन से वन कट गया ना, तो कितना मिला प्लस n वाई एन मिला, ठीक है, और प्लस का वाई एन और इक्वल जीरो, समझ गए। x पहले लिख लिया वाई एन प्लस वन बाद में, फिर n वाई एन लिखा और ये वाला, अब देखो कैसे ये वाला देख लो, पहला तो मिल रहा है हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस अब क्या चाहिए हमको x बाई एन प्लस वन और ब्रैकेट में टू एन प्लस वन, तो x बाई एन प्लस वन कामन ले लो, x बाई एन प्लस वन कामन ले लिया, तो बाई एन प्लस वन देखो यहाँ पे है और x भी चला गया, टू एन मिला, बाई एन प्लस वन है यहाँ पे, बाई एन प्लस वन और x भी है तो कॉमन चला गया, पूरा पूरा कितना मिला प्लस का वन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर x वाई एन प्लस वन, ठीक है। अब हमको क्या मैच करना है, ये वाला, तो प्लस बाई एन कॉमन ले लो और ब्रेकेट में एन स्क्वायर प्लस वन बना लो, तो देख लो बाई एन कहाँ कहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, तीन जगह है, तो एन का इंटू कर दो, यहाँ से बाई एन कॉमन चला गया ना, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ प्लस का एन और प्लस का वन, ये कट गया तो एन स्क्वायर प्लस वन मिल गया ये वाला, ठीक है, और इक्वल जीरो लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन और प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल जीरो, ये आंसर शीट मैच हो गई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, नोट करते रहो भाई। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करवा देते हैं,
ये लो, रफ हो गया भाई, ये लो ये लो, बहुत मेहनत पड़ जाती है, रफ़ करने में बहुत मेहनत पड़ जाती है। तभी कहते हैं लाइक करो भाई वीडियो को, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपको उंगली हिलाना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या चाहिए आपसे, क्या चाहिए, यही चाहिए भाई। अब देख लो सेकंड, सेकंड वाले में कहा गया है, यहाँ पे देख लो, बोला गया एक बाइक को इतना है, प्रूफ देट इतना। तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर शीट नहीं है, तो आपको देखना है कि लेबनीज़ थ्योरम हमको यूज़ करना है, लेकिन डेरिवेटिव के बाद, क्योंकि आंसर शीट जो है सीरीज में नहीं है, तो डेरिवेटिव के बाद लेबनीज़ थ्योरम यूज होगी। तो यहाँ पे देख लो क्या दिख रहा है, टू दिख रहा है, तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक आपको जाना है, फिर उसके बाद लेबनीज़ थ्योरम यूज करके ये आंसर शीट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन दैट y का इक्वल cos log x, और कौन सा मेथड यूज हो रहा है, मैचिंग मेथड। तो इक्वेशन फर्स्ट डाल दो अगर मैचिंग मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, by वन निकालो, तो cos का क्या होगा, माइनस का साइन होगा ना, ठीक है, और इसका अगेन करोगे ये निकलेगा, क्रॉस इंटू कर दो, ठीक है। अब देखो मैच हुआ ये वाला, नहीं हुआ, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो मैच हो जाएगा, ठीक है, अगेन करो इसे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकंड का डिफ्रेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट इक्वल, साइन का कॉस होगा ना, ठीक है। अब इसका अगेन करेंगे तो वन अपान एक्स मिलेगा, क्रॉस इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, वाई टू प्लस का एक्स वाई वन, ये वाला एक्स इन दोनों में इंटू कर दिया, और इक्वल वैल्यू रख दो भाई, कहाँ से रखी है, y इक्वेशन फर्स्ट से रखी है, ठीक है। अब इसको इस साइड लाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव का, ठीक है। अब आपको लेबनीज़ थ्योरम यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, वो तो आ गई आंसर शीट सेकंड डेरिवेटिव की। अब वाई एन प्लस 2 बनाना है, तो यहीं से बनेगा, और देखना आपको पहला ही टर्म है, इतना ध्यान रखना, दूसरे तीसरे से मतलब नहीं होता, पहला ही टर्म देखना है प्रूफ दैट में, जो भी आंसर शीट प्रूफ दैट की हो, तो पहला ही टर्म देखना है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए भाई। अब यहाँ पे लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स y लेबनीज थ्योरम, ठीक है। तो देख लो कैसे यूज होती है, अब तो जानकारी है, ये u है ये b है, तो y n, और ये जो होता है वो प्लस कर दो, और b लिख दो ये वाला प्लस, फिर इसके बाद में n u n माइनस वन होता है, हमने लिख दिया y n माइनस वन, ये जो होता है ना यहाँ पे वो प्लस करना है, फिर b1 आता है तो b1 का 2x हो गया, फिर प्लस, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा भाई, स्पेस नहीं है। अब यहाँ से करते हैं इसको, फिर आपको समझाते हैं, चलो देख लो यहाँ पे, हाँ क्या बताया था, यू एन होता है हमने बाई एन लिखा, फिर यहाँ पे जो है वो प्लस करो, फिर बी होता है, बी क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या होता है एन यू एन माइनस वन होता है, हमने लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना उसको प्लस करो, फिर बी वन होता है, बी वन का टू एक्स आ गया, फिर प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, यू एन माइनस वन होता है कि टू होता है, टू होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है टू इसको प्लस कर लो, फिर क्या होता है बी टू होता है, बी टू, तो बी वन ये है, इसकी आंसर शीट बताओ, इसका डिफ्रेंशिएट करो, इतना मिलेगा, और कॉन्स्टेंट टर्म आ गया ना, तो मतलब ये टर्म यहीं तक आपको रखना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये b है ये u है, लगाओ भाई, y मतलब यू एन होता है, तो वाई एन हमने लिख दिया, जो यहाँ पे है ना वो प्लस करो, फिर उसके बाद b आता है, b लिख दिया, फिर n यू एन माइनस वन होता है, हमने लिख दिया, अब यहाँ पे जो है वो प्लस करो, फिर b1 आता है, ये b है ना, इसका डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, कॉन्स्टेंट आगे ना, तो इसके आगे नहीं लिखा जाएगा अब, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बाई का बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है, nth टाइम्स लिखा है, तो y का क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा ना, ठीक है, इक्वल जीरो।
अब सिंप्लीफाई करके फिर टर्म को सेट करना है और ये बना लेना है आंसर शीट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू, यहाँ पर आ जाओ, टू एन एक्स वाई, एक माइनस कर लो तो एन प्लस वन, ओके ओके भाई, ये कट गया तो कितना मिला, प्लस एन इंटू एन माइनस वन, और वाई एन आएगा ना, ये टू से टू कट गया, यहाँ पे आ जाओ, प्लस एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे ये वन से वन कट गया तो एन वाई एन और प्लस का वाई एन इक्वल जीरो, ठीक है। अब मैच करना है टर्म को, इसको रफ कर दें, नोट करते रहो, आपका काम है समझना और नोट करते रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो मैच हो गया, अब सेकंड टर्म देख लो, ये वाला मैच करना है तो x बाई एन प्लस वन कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या लाना है, टू एन प्लस वन लाना है, ठीक है। x बाई एन प्लस वन हमने कॉमन ले लिया, कहाँ कहाँ से बाई एन प्लस वन, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो x बाई एन प्लस वन ले लिया कॉमन, टू एन मिला, यहाँ से पूरा पूरा चला गया, प्लस का वन मिला, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सेकंड टर्म मैच हो गए ना, अब ये वाला मैच करना है, तो देख लो कैसे मैच करोगे, कैसे मैच करोगे, ठीक है, मैच कैसे करोगे, कॉमन लेके बाई एन कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो बाई एन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे तीन जगह है, तो एन का इंटू कर लो, एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे प्लस का एन, यहाँ पे प्लस का वन, और इक्वल जीरो, एक दो तीन, तीन टर्म बनाना है, ठीक है। ये कट गया, अब लिख दो, सारे के सारे टर्म मैच हो गए, तो टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन और वाई एन इक्वल जीरो, ठीक है। जिससे आंसर शीट मिलती है उसको क्या कर लो, बॉक्स में हाईलाइट कर दो, हाईलाइट। चलो ये कंप्लीट हुआ ना, अब नेक्स्ट एग्जांपल फाइव, इसको रफ करते हैं, एग्जांपल फाइव बताते हैं। एग्जांपल फाइव में देख लो कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं कि एक ही पार्ट है, तो एक ही पार्ट है, इसमें ज़्यादा नहीं बताया है, तो यहाँ पे डाल लो फाइव, एग्जांपल फाइव, और यहाँ पर हटा दो इसे। अब देखो यहाँ पर बोला गया है इफ़ इक्वल इतना, प्रूव दैट, ठीक है। तो आपको पता है ये सीरीज में आंसर शीट नहीं है, तो लेबनीज़ थ्योरम आपको डेरिवेटिव के बाद यूज करना है। यहाँ पे देख लो टू है, तो सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालो, फिर उसके बाद लेबनीज़ थ्योरम यूज करो, ठीक है। तो पहले लिख लो, इफ लिखा है ना, गिवन दैट लिख लो, इफ लिखा है तो गिवन दैट आपको लिख लेना है, कॉस इनवर्स, फिर क्या है, बाई अपॉन बी है, हमने लिख लिया, इक्वल में देख लो क्या है, लॉग एक्स अपॉन एन, यही है, और होल पावर देख लो कितनी है, एन है, ठीक है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, जैसे यहाँ पर देखो बाई के इक्वल दिया है, यहाँ पे देख लो बाई के इक्वल है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बाई के इक्वल नहीं है, तो बाई की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालते हैं। तो क्या करो, एन पावर आगे ले लो और कॉस को उस साइड भेजेंगे, मतलब इनवर्स को भेजेंगे ना, तो इनवर्स हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा एन लॉग एक्स के अपान एन, ठीक है। वाई के इक्वल क्या आएगा, वी कॉस एन लॉग एक्स के अपान एन, ठीक है। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, क्योंकि मैचिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इक्वेशन आपको डाल लेना है, क्योंकि मैच हो जाएगा आगे। वाई वन निकालो, तो सी ओ से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, कॉस का साइन हो गया ना, ठीक है। अब किसका करो, इसका, तो एन ऐसे ही रखो, लॉग एक्स का क्या होगा, बना पान इतना, फिर इसका अगेन करो तो क्या निकलेगा, एक्स अपान एन का अगेन करोगे, बना पान एन निकलेगा, ठीक है। तो ये एन है और ये क्या है, अपान में कट गया, ये ऊपर पहुंचा दो,
ठीक है, तो वाई वन इक्वल और एक्स का क्रॉस इंटू कर दो, एक्स का क्रॉस इंटू कर दो क्योंकि नीचे एक्स रहेगा और एन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एन वी साइन, एन यहाँ से मिला ना, एक्स का क्रॉस इंटू कर दिया तो एन वी साइन एन लॉग एक्स के अपान एन। ठीक है, अब देखो मैच हुआ ये नहीं हुआ क्योंकि कॉस है यहाँ पे साइन है। एक बार और आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तक आपको आंसर शीट चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे देख लो टू है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रूल यूज कर लो, फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ठीक है, और साइन का क्या होगा कॉस होगा और एन लॉग एक्स के अपान एन। ठीक है, फिर आपको यही छापना है क्योंकि जो ये है वही है, यही छाप लो वन अपान एक्स के अपान एन इंटू में वन अपान एन, काट लो वैसे ही काटो जैसे यहाँ पे काटा था। अब एन आएगा क्रॉस इंटू कर दो एक्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का एक्स बाई वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा ना, एन का इंटू करोगे तो एन स्क्वायर और बी को ऐसे ही लिखो, इतना देखो ये बी इंटू में कॉस है तो पूरा पूरा मैच हो गया, बी साथ में ही आपको लेना है तो वाई रख देना है, कहाँ से रखा है वाई इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये मैचिंग मेथड से मैच किया और रख दी वाई की वैल्यू के स्थान पे है वाई। ठीक है, माइनस का एन स्क्वायर इंटू में वाई। ठीक है, इसको इस साइड ला कर लेबनीज थ्योरम यूज करेंगे, पहले इसको हम रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, इसको इस साइड लाएंगे प्लस का एन स्क्वायर वाई इक्वल जीरो। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट आ गई, अब क्या बनाना है ये बनाना है बाई एन प्लस टू, लेबनीज थ्योरम यूज कर लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग एंथ टाइम्स वाई लेबनीज थ्योरम, तो पता तो है आपको कैसे यूज होती है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम बताएंगे आपको क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखते हो यू एन लिखते हो तो आप लिखो वाई एन, जो यहाँ पे है उसको प्लस कर लो, फिर बी लिखते हो बी को लिख लो। ठीक है, हो गया, फिर क्या लिखते हो एन यू एन माइनस वन लिखते हो, हमने लिख लिया, फिर जो यहाँ पे होता वो प्लस कर लो, इसका डिफरेंशिएट कर लो बी वन, बी का डिफरेंशिएट इतना आ गया, फिर क्या लिखते हो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू लिखते हो, हमने लिख लिया, अब ये जो है ना उसको प्लस कर लो, फिर यहाँ पे बी टू आता है, मतलब बी वन का अगेन करोगे डिफरेंशिएट तो बी टू मिलेगा, तो कांस्टेंट टर्म मिल गया ना, तो यहीं तक आपको रखना है, मतलब फर्स्ट टर्म हो चुका है, अब सेकेंड टर्म देख लो क्या लिखते हो यू एन लिखते हो, तो हमने लिखा वाई एन, जो यहाँ पे है उसको प्लस कर लो, फिर बी लिखते हो हमने लिख लिया। ठीक है, फिर क्या लिखते हो एन यू एन माइनस वन लिख दिया, जो यहाँ पे उसको प्लस कर लो, फिर बी वन मतलब एक्स का डिफरेंशिएट वन, कांस्टेंट मिल गया ना, तो इसका यहीं तक आएगा, फिर यहाँ पे आ जाओ एन स्क्वायर, अब बाई का यहाँ पे क्या लिखा है nth टाइम से लिखा है तो बाई का क्या हो जाएगा वाई एन हो जाएगा, हो गया डिफरेंशिएट। अब इसके बाद आपको सेट करना है, देखो कैसे, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ठीक है हो गया, अब देखो यहाँ पे प्लस टू एन एक्स वाई कितना मिलेगा एन प्लस वन मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे प्लस ये कट गया तो एन इंटू एन माइनस वन वाई, ये टू से टू कटा एन मिला, फिर यहाँ से आ जाओ एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है, और एक्स तो पहले लिख लिया, यहाँ पे आ जाओ वन से वन कट गया प्लस का एन वाई एन, और यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर वाई एन। ठीक है, अब आपको सेट करना है, पहला टर्म तो मैच हो गया, देखो मैच हो गया एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, अब सेकेंड टर्म आपको मैच करना है कौन सा, ये वाला टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, तो आपको कॉमन ले लेना है, देखो एक्स वाई एन प्लस वन देख लो कहाँ कहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो कॉमन चला गया टू एन मिला यहाँ से
पूरा पूरा चला गया, वन मिल गया, हो गया। अब क्या चाहिए हमको, हमको बाई एन चाहिए। तो बाई एन कैसे मिलेगा देख लो, बाई एन कहाँ कहाँ है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। एन का इंटू कर लो तो एन स्क्वायर माइनस का एन, यहाँ पे प्लस का एन और प्लस का यहाँ पे एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया, अब प्लस कर लो, एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन इंटू में एक्स बाई एन प्लस वन प्लस का टू एन स्क्वायर बाई एन इक्वल जीरो। अब आंसर शीट मैच कर लो, वन टू थ्री टर्म, तो वन टू थ्री टर्म, ठीक है, टू एन स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल फाइव तक हो चुके हैं, अब एग्जांपल सिक्स करवाते हैं। इतना नोट करो भाई, एग्जांपल सिक्स की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई आरी। ये लो रफ हो रहा है, आप लोग तब तक लाइक करो वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया है अभी तक, अगर नए स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रेपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स देख लो कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट डाल लो, मतलब ए दिया है तो ए यहाँ पे लिख लो। अब देखो यहाँ पे बाई इक्वल इतना है, फिर और करके बताया ऐसे करके, ठीक है। तो हमें पता है बाई के इक्वल ही हमको चाहिए, जैसे यहाँ पे नहीं था बाई के इक्वल तो हमने किया, तो यहाँ पे मिल गया है। उसने बोला है अगर ऐसा आ जाए तो इसको कन्वर्ट करके ऐसा ही बनाओ, उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू दिख रहा है ना, तो इसको लेके चलेंगे सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालेंगे, मतलब एक इक्वेशन आएगा उसमें हम लेबनीज़ थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, तभी तो बाई एन प्लस टू बनेगा, ठीक है। तो गिवन दैट लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, गिवन दैट, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है भाई। तो y के इक्वल e की पावर में a साइन इनवर्स x है, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो e की पावर x का e की पावर x, फिर इसका अगेन करोगे क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना, ये ऐसे साइन इनवर्स x का वन अपान रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हमने क्या बताया था पिछली क्लास में कि अगर आपको रूट दिख जाए सब कुछ भूलो, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करना है, सब कुछ भूल जाओ, जो आप काम कर रहे हो या फिर जो सोचा है सब कुछ भूल जाओ, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर रूट दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी लाइन में, तो यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस इनटू करके हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ए ठीक है सब कुछ भूल के ऐसे करो, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो वन माइनस इतना, ठीक है, और बाई वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ ए स्क्वायर ए की पावर में इतना हो जाएगा, हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब रूट हट गया, ठीक है। अब जो सोचा था जो कर रहे हो वह करो भाई, मैचिंग मेथड यूज कर रहे हो करो भाई। अब देखो मैच हो गया, ये पूरा पूरा यहाँ पे रख दो बाई रख दो, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखी है, कहाँ से रखी है, जहाँ से रखी है आपको बता देना है, इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसकी वैल्यू रखी है, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेकेंड डेरीवेटिव की आंसर शीट निकालना है। ये निकली है फर्स्ट डेरिवेटिव के, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड लगा लो यहाँ पे, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट, ठीक है, सेकंड का डिफरेंशिएट हो गया, फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, माइनस का टू एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाओ
माइनस है तो माइनस करो, ए स्क्वायर यहाँ पे बाई स्क्वायर का 2y, बाई का अगेन बाई 1। अब 2y से डिवाइड दे दो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला 2 बाई 1। ठीक है, डिवाइड लगाने से उसके बाद आपको लेबनीज थ्योरम यूज करना है। इसको हम रफ करते हैं, आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे लिख लो डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड, करो भाई डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 चला गया, y2 आ गया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2 चला गया, y1 चला गया, x y1 मिला। ठीक है, 2y1 चला गया माइनस का ए स्क्वायर और बाई, ठीक है 2y1 चला गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट आ गई। अब देख लो भाई यहाँ पे क्या चाहिए, बाई एन प्लस 2 चाहिए, मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर लो ए एन टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग एंथ टाइम्स वाई लेबनीज थ्योरम, वाई लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो क्या लिखते हो, यू एन लिखते हो, तो हमने लिखा वाई एन, यहाँ पे जो है उसको प्लस करो, फिर बी आता है, बी का ऐसे ही लिखो। ठीक है, फिर प्लस एन यू एन माइनस मीन्स एन यू एन लिखते हो, तो हमने लिखा ऐसे, ठीक है यू एन माइनस 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस कर लो, फिर इसके बाद बी 1, इसका डिफ्रेंशिएट करो, माइनस का 2x मिला, फिर क्या लिखते हो, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यू एन माइनस 2 लिखते हो, तो हमने लिखा वाई एन माइनस 2, और ये यहाँ पे जो होता है वो प्लस कर लो। ठीक है, अब बी 2 मतलब ये बी 1 है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, चलो भाई इसका हो गया, अब इसका देख लो यहाँ पर क्या, इसे बी और इसे यू, क्या लिखते हो, यू एन लिखते हो, हमने लिखा वाई एन। ठीक है, 1 प्लस कर लो, फिर बी एक्स हो गया, फिर प्लस एन यू एन माइनस 1 लिखते हो, हमने लिख लिया, प्लस 1 कर लो, अब बी 1 लिखते हो, इसका डिफ्रेंशिएट 1। ठीक है, मतलब इसका हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का ए स्क्वायर बाई का डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स करोगे तो वाई एन मिलेगा ना। ठीक है, इतना लिख लो, अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो। ठीक है, तो अब देखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई एन प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ प्लस माइनस माइनस का 2nx और बाई, यहाँ पे n प्लस 1 आएगा सिंप्लीफाई करने पर, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस आएगा n इंटू एन माइनस 1, नीचे कुछ नहीं मिला तो बन ही लिख दो भाई, और यहाँ पे क्या आएगा वाई एन, ये कट गया। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस का एक्स बाई एन प्लस 1, फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस माइनस माइनस का एन और बाई, ये कट गया, बाई एन मिला, और माइनस का ए स्क्वायर बाई एन इक्वल 0। तो देख लो फर्स्ट टर्म ये वाला मैच हुआ, तो फर्स्ट टर्म तो मैच हो गया। ठीक है, लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब सेकेंड टर्म 2n प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1, माइनस कॉमन ले लो एक्स वाई एन प्लस 1। ठीक है, तो एक्स बाई एन प्लस 1 यहाँ पे, एक्स बाई एन प्लस 1 यहाँ पे, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, 1 मिलेगा। फिर क्या चाहिए हमको, माइनस का एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन चाहिए, तो बाई एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाई एन है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे लिखो इनटू करके। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस कॉमन ले लिया ना, प्लस का एन रहेगा और प्लस का ए स्क्वायर रहेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब देखो ये कट गया, एक लाइन लिखो, आंसर शीट आ गई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे वाई एन इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आंसर शीट आपको देख लेना है, मैच हो गई मैच, पहला टर्म प्लस का है, दूसरा और तीसरा टर्म नेगेटिव का है। ठीक है, अब बी वाला सॉल्व करवाएंगे, चलो इतना नोट करो पहले, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
ये लो, रफ हुआ भाई। अरे भाई तब तक आप लोग पढ़ लो बी वाला पार्ट, क्या गिवेन है, क्या हमको प्रूव करना है। इसको रफ करते हैं और फिर सॉल्व करवाते हैं बी वाले पार्ट को। तो देख लो यहाँ पे, ये है बी वाला पार्ट। क्या बोला है उसने, उसने बोला है कि ये वाई इक्वल इतना है, यहाँ पे इतना था, कहता देन सो दैट द सेम इक्वेशन इज ऑब्टेन एज इन एग्जांपल 6 है। मतलब सेम इक्वेशन ये वाली आपको प्रूव करना है। मतलब इस बार फंक्शन चेंज है, आंसर शीट वही लाना है, ठीक है। तो गिवन दैट आपको लिख लेना है, गिवन दैट y के इक्वल लिख लो e की पावर में a cos इनवर्स x। इक्वेशन 5 डाल दो। आपको पता है कि अगर ये इक्वेशन मैच करना है तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट आपको निकालना है। उसके बाद लेबनीज थ्योरम यूज करके ये बना लेना है। फर्स्ट टर्म से पता लग जाता है कि हमको आंसर शीट कितने डेरिवेटिव की निकालना है, ठीक है। तो वाई वन ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होगा। अब इसका अगेन करोगे, सी ओ से स्टार्ट है माइनस छोड़ेगा, सी ओ से स्टार्ट है माइनस छोड़ेगा, ठीक है। अगर रूट दिख जाए तो सब कुछ जो कर रहे हैं वो भूल जाओ, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्रॉस इनटू कर लो, तो क्रॉस इनटू कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ई की पावर में इतना होल स्क्वायर। रूट हट गया ना, अब जो काम कर रहे हो वो करो, रूट तो हट गया ना, तो मैचिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो करो भाई। देखो यहाँ पे मैच हो गया, इसके इक्वल ये बाई ए रख दो यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो वाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको इस साइड लाएंगे, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट हमको चाहिए, ठीक है। कर लो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा और सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे आ जाओ, वाई स्क्वायर का 2y का अगेन इतना होगा इक्वल 0, 2y1 से डिवाइड लगा दो। इसके आगे आपको पता है अभी जो a वाला पार्ट हुआ ना, वही आपको नोट करना है इसके आगे, क्योंकि वही मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड डिवाइड लगा दो भाई, तो 2y1 चला गया, तो क्या मिला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस एक्स मिलेगा, 2y1 चला गया, केवल बाई 1 मिला, यहाँ से 2y1 चला गया, माइनस का ए स्क्वायर बाई मिला। अब सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट आ गई, अब बाई एन प्लस 2 बना लेना है। कैसे बनेगा, यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग एंथ टाइम्स वाई, एंथ टाइम्स वाई लेबनीज थ्योरम, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या लिख दो, un लिख दो, हमने लिखा वाई एन, जो यहाँ पे है उसको प्लस करो और फिर b लिख दो, ये b है ये u है, फिर क्या लिखते हो n, यू एन माइनस 1 लिख दो, हमने लिख दिया ये यहाँ पे है, प्लस कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद में b1, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस 2x निकलेगा, प्लस फिर क्या लिखते हो n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 यू एन माइनस 2 लिखते हो, हमने लिखा, और ये वाला 2 यहाँ पे प्लस करना है। अब यहाँ पे b2 इसका डिफ्रेंशिएट करो b1 का, कॉन्स्टेंट मिल गया ना, तो इसका हो गया। फिर इसका देख लो, तो क्या लिखते हो, यू एन लिखते हो, तो हमने क्या लिखा वाई एन, जो यहाँ पे है उसको प्लस कर लो, फिर बी आता है, ये बी है,
और ये u है, फिर क्या लिखते हो n, यू एन माइनस वन लिखते हो, हमने लिखा जो यहाँ पे उसको प्लस करो फिर b1, तो ये b है b1 मतलब x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया, क्यों कांस्टेंट मिल गया ना इसका हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ ए स्क्वायर बाई का, यहाँ पे n टाइम्स लिखा है तो बाई का वाई एन हो जाएगा, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, ये लो ठीक है, अब थोड़ा साइड करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का टू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस का टू एन एक्स और वाई एन प्लस वन आएगा ना, सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है, यहाँ से आ जाओ ये कट गया प्लस माइनस माइनस एन इंटू एन माइनस वन और टू से टू कट गया एन मिला, यहाँ पे आ जाओ निगेटिव का एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है प्लस माइनस माइनस का एन वाई, वन से वन कटा एन आ गया, माइनस का ए स्क्वायर बाई एन, यहाँ पे क्या लिखो ए स्क्वायर बाई एन इक्वल जीरो, ठीक है इतना क्लियर हुआ। अब मैच करना है, तो मैच तो आपको पता ही है अभी कर चुके हैं ना, एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन ले लो, यहाँ से टू एन और यहाँ से वन मिलेगा, तो सेकंड टर्म मैच हो गया। देखो अब थर्ड टर्म मैच करना है, हमें क्या चाहिए बाई एन कॉमन चाहिए, कहाँ कहाँ है बाई एन, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ना इनटू कर लो ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ना प्लस का एन आएगा, फिर माइनस कॉमन ले लिया प्लस का ए स्क्वायर आएगा, ये कट गया ठीक है। आंसर शीट जो बताई है वो निकल आई है, जो बताई है वो निकल आई है आंसर शीट, तो एन स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और बाई एन इक्वल जीरो, देख लो आंसर शीट जो बताई है वो निकल आई है, और जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर लो। तो फर्स्ट टर्म वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में बाई एन प्लस टू, ठीक है सेकंड टर्म माइनस का टू एन प्लस वन इंटू में एक्स बाई एन प्लस वन, और यहाँ पे देख लो माइनस का एन स्क्वायर ए स्क्वायर और बाई एन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल सिक्स तक इस क्लास में करवाएंगे, अब इसके आगे के जो एग्जाम्पल है ना जो बचे हैं अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। अगर ये मेरे क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।